मैं अभिषेक आनंद और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। 2024 के लोकसभा चुनाव के कारण बीपीएससी टीआरई 3 के परीक्षा में विलंब हो चुकी है, जिससे कई अभ्यर्थी परेशान हैं। लेकिन अब उन अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है और एक नई अपडेट आई है। आज से आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, मतलब बीपीएससी के जो अभ्यर्थी हैं 9 जुलाई से वो अपना एडमिट कार्ड बीपीएससी के साइट से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और भी क्या है इस अपडेट में, आइए आपको विस्तार में बताते हैं। बीपीएससी द्वारा 19 से 22 जुलाई तक आयोजित की जाने वाली बिहार अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता पुनर्परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए आवेदन किए गए उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र आज यानी मंगलवार 9 जुलाई से डाउनलोड किए जा सकते हैं। इस संबंध में आयोग ने आधिकारिक तौर पर जानकारी हाल ही के में 5 जुलाई को साझा की थी। एजुकेशन डेस्क नई दिल्ली बिहार शिक्षक भर्ती के तीसरे चरण के आवेदन के लिए उम्मीदवारों के लिए बहुत महत्वपूर्ण अपडेट है। बिहार लोक सेवा आयोग अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता पुनर्परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए आवेदन के लिए उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र आज यानी मंगलवार 9 जुलाई को जारी कर दिए गए हैं। प्रवेश पत्र जारी किए जाने को लेकर अधिसूचना आयोग ने हाल ही में 5 जुलाई को जारी की थी, जिसके मुताबिक उक्त के लिए दिनांक 9/7/2024 से प्रवेश पत्र डाउनलोड किया जा सकता है। बता दें कि फेज़ 3 परीक्षा 19 से 22 जुलाई तक आयोजित की जानी है। उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि उन्हें अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पहले अपना अद्यतन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अपने डैशबोर्ड में लॉगिन के उपरांत अपलोड करना होगा। यदि इनमें से कोई त्रुटि होती है तो फोटो अपलोड करते हुए इन विवरणों में सुधार भी कर लें, इसके बाद ही उम्मीदवार अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड करें। दूसरी तरफ उम्मीदवारों को अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के लिए बीपीएससी के आधिकारिक वेबसाइट पर लिंक से या सीधे आयोग के एप्लीकेशन पोर्टल से विजिट करना होगा। फिर हम होम पेज पर दिए गए लॉगिन सेक्शन में आपको यूज़र नेम और पासवर्ड की डिटेल के माध्यम से लॉगिन करना होगा। लॉगिन के बाद उम्मीदवार अपने फ़ोटो अपलोड और त्रुटि सुधार करते हुए अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड और प्रिंट कर सकेंगे। इसके बाद उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र की सॉफ्ट कॉपी भी सेव कर लेना चाहिए। तो ये आपने अपडेट सुनी, ये बीपीएससी टीआरई 3 की नई अपडेट थी, जिसमें एडमिट कार्ड आज से ही अभ्यर्थी डाउनलोड कर पाएंगे और उसमें जो त्रुटि है उसको भी वो सुधार सकते हैं। फ़ोटो किस तरह से लगाना है ये भी आपको बताया गया है ऑफिशियल बीपीएससी के वेबसाइट पे। पहले और दूसरे चरण में लगभग 2.5 लाख युवाओं को रोज़गार दिया गया बीपीएससी टीआरई के तरफ से, और फिर से एक बार बीपीएससी टीआरई 3 पे लगातार युवाओं की नज़रें टिकी हुई हैं। और नीतीश कुमार ठीक विधानसभा चुनाव से पहले एक बार युवाओं को खुश करने का प्रयास कर रहे हैं। ये तो देखने वाली बात होगी कि इस नौकरी के कारण युवा खुश होते हैं या नहीं होता है, ये तो समय बताएगा। फिलहाल बीपीएससी से ये बड़ी अपडेट आ रही है। और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिएगा न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। धन्यवाद।